सकते हो, और अगर आपके पास बाइक है तो बाइक लेके भी आप ऊपर तक आ सकते हो। क्या हो गया, सांस फूल गई, मेरी आत्मा निकल गई। हाँ, कोई कोई जगह पे बहुत ज़्यादा स्टीप है। मैंने एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे लगा था कि लाइक थोड़ा रोड टाइप होगा, सीढ़ियाँ टाइप होगी, मुझे लगा था बहुत नैरो है और ऐसा ऊपर नीचे ऊपर नीचे। मुझे ये देख के पता क्या याद आ गया, वो हम झांझरी वाटरफॉल गए थे, लेकिन झांझरी में ऊँट तो चढ़ा, तो ऊँट भी नहीं चढ़ रहा था। Hello guys and welcome back to another vlog. My name is Karan and welcome to my YouTube channel Travel Syndrome. This is day 2 in Udaipur और as you can see मेरे पीछे है बड़ी लेक और हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं ऊपर बाहुबली हिल्स। So, बाहुबली हिल्स के लिए ऊपर थोड़ा सा ट्रैक करके जाना पड़ेगा, तो हम ट्रैकिंग करेंगे। और ये बड़ी लेक के पास नीचे भी कुछ एक दो चीज़ें देखने के लिए, तो रिटर्न में जब आएँगे तो वो भी एक्सप्लोर करेंगे। बाय द वे दिस इज अंजलि, ब्रेकफास्ट करके वो नीचे उतरना नहीं चाहती थी, इसीलिए अभी गर्मी है, सीट बेल्ट उतारने में बड़ा हालत आता है, इसीलिए तो हम सोचा कि कुछ अच्छा इंट्रो यहाँ पे नीचे करते। बहुत ही अमेजिंग व्यू है और थोड़ी गर्मी है कल के कंपेयर में। और बाय द वे कल हमने करनी माता टेम्पल और नाइट व्यू है जो फतेह सागर लेक का, वो कवर किया था। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड चेक इट आउट। वो वीडियो हमने भी नहीं देखा अभी तक, एडिट करेंगे। अब चलते हैं बाहुबली हिल्स पे। स्टार्टिंग में स्टीप चढ़ाई है ये जो है, यहाँ से चढ़ पाएगी? चढ़ तो जाऊँगा, गिर ना जाऊँगा, देखना ध्यान रखना, बड़े बड़े पत्थर है, स्टीप है। यहाँ से एकदम 85 डिग्रीज के आसपास थोड़ा स्टीप है, तो हो सके तो चप्पल पहन के मत आओ, शूज़ ही कंफर्टेबल रहेंगे। मैं सैंडल पहन के आया हूँ, बट चलता है सैंडल, इट्स स्टिल फाइन, चप्पल मत पहन के आना भाई। और यहाँ पे देखो कितना नैरो है, अच्छी बात दे रहा है। थोड़ी आजकल के कंपेयर में धूप ज़्यादा है और ह्यूमिडिटी भी है। लेट्स होप कि पानी की बोतल, हाँ डेफिनेटली 2-3 लेके आए अपने साथ। थोड़ा ऊपर तक है, कितना है वो मैं आपको ऊपर जाके बताऊंगा, बट है काफ़ी ऊपर। क्या हो गया, सांस फूल गई, मेरी आत्मा निकल गई। हाँ, कोई कोई जगह पे बहुत ज़्यादा स्टीप है। मैंने एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे लगा था कि लाइक थोड़ा रोड टाइप होगा, सीढ़ियाँ टाइप होगी, मुझे लगा था बहुत नैरो है और ऐसा ऊपर नीचे ऊपर नीचे। मुझे ये देख के पता क्या याद आ गया, वो हम झांझरी वाटरफॉल गए थे, लेकिन झांझरी में ऊँट तो चढ़ा, तो ऊँट भी नहीं चढ़ रहा था। हाँ, थोड़ा स्टीप है, ऊपर से है ना, गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है। आज सन डायरेक्टली है नहीं, बट कभी कभी आ रहा है। हवा नहीं चल रही आज ना, हवा नहीं चल रही। पानी लेके आना और अच्छा खासा हैवी ब्रेकफास्ट करके या फिर लंच करके आना। हम हैवी ब्रेकफास्ट करके, हाँ मस्त। अच्छा एक्सपीरियंस है, चलो आगे बढ़ते। ये इतना पतला है और ये इतना स्लांटेड है डायरेक्ट, यहाँ पे कुछ नहीं है तो नीचे, और यहाँ पे अगर आपका एक भी पैर फिसला तो डायरेक्ट नीचे, सीधा पानी के मजे ले सकते हैं। बड़ी लेक में यहाँ गिरना प्रेफर करना, बड़ी लेक पे बड़ा जंप मार सकते हैं। पागल हो गई, इतना चढ़ के पागल हो गई मैं। चलो ऊपर कहाँ गई वो माउंट आबू वाली अंजलि, वो थोड़ा गई ऊपर से। मैं इतने फैंसी कपड़े पहन के वो ट्रैक करने के लिए, वैसे कपड़े कौन पहन के आता है ट्रैक करने? मुझे क्या पता, मुझे रोड बाढ़ होगी चलने के लिए, मुझे लगा रोड वोड होगी चलने के लिए, चल लेंगे फैंसी कपड़े पहन के। 2 मिनट सांस लेके बनूंगा। भाई दवा, ये सिटी से कुछ 8-10 किलोमीटर दूर है, तो आपको उतना बाहर आना पड़ेगा। दो और खा पी के आए ट्रैक करने, बस प्रो टिप। देखो यार, जस्ट लुक एट दिस व्यू, इतना मस्त है। और ये देखो, मेरा भी ले लेना, वो ले ले। तो यहाँ से आपको 10 रुपये की कोई एंट्री टिकट टाइप है, पर्ची वो लेना है पर पर्सन 10 रुपीज़, और पानी वानी ले सकते हो। और अगर आपके पास बाइक है तो बाइक लेके भी आप ऊपर तक आ सकते हो। जैसे कोई पीछे का रास्ता है वहाँ से आना है। तो बस ये इन्फॉर्मेशन 10 रुपये पता नहीं स्वच्छ भारत अभियान के लिए शायद ले रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। काफ़ी क्लीन है, कोई गार्बेज या कुछ कचरा कुछ है नहीं। तो 100 रुपये में ऊपर उठा के ले जाते तो मैं वो भी देखती हूँ। ऊँट पे बिठा, ऊँट पे बिठा, पर यहाँ पे ऊँट डिफिकल्ट हो जाता, ऊँट मेरे को सीधा उस पानी में डालता था। फाइनली पहुंच गए बाहुबली हिल्स, और वो जो आप व्यू पॉइंट देख रहे हो ये, यहाँ पे सारी फ़ोटोज़ खींचते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा सा ट्रैफिक है, और आई गेस यहाँ पे पीछे ऊपर मंदिर है तो वो भी जाएंगे। और यहाँ यमराज के 3 कुत्ते भी हैं। क्या यमराज के वो कुत्ते नहीं आते, वो चलते हैं, 3 कुत्ते भी हैं। मतलब सिर्फ व्यू पॉइंट है और चढ़ के आ सकते हो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करने के लिए। ऊपर मंदिर है, वो अभी हम देखते हैं। ट्रैकिंग के लिए अच्छा है, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ट्रैकिंग डेफिनेटली विजिट कर सकते हो। वहाँ पे जाके देखते हैं कैसा व्यू है और फोटोज़ कैसी आती है। सो डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम टू चेक आउट द फोटोज़ एंड रील्स। सो फाइनली हम लोग आ गए दूसरे व्यू पॉइंट पे। यहाँ पे खड़े थे हम लोग, आपने जो टाइम लैप्स देखा नीचे चलते हुए, यहाँ से चलते हुए आए, एंड दिस इज़ द वन ऑफ द व्यू पॉइंट्स जहाँ पे फ़ोटो खींच सकते हैं, एंड दिस इज़ द सेकेंड व्यू पॉइंट। तो अभी हम लोग ये थोड़ा टाइम है, अभी नाम लिखवाया हमने वेटिंग में, फ़ोटो से यहाँ पे आएंगे, एंड दिस इज़ हाउ इट मेरे पीछे माता जी का मंदिर है, पर अभी कुछ रिनोवेशन काम चल रहा है तो अंदर नहीं जा सकते। तो यहाँ पे बस वही है, 2 व्यू पॉइंट्स हैं, एक मंदिर है, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए अच्छी है। और ज़्यादातर अगर आप शाम के टाइम, इवनिंग के टाइम, सनसेट के टाइम पे आओगे तो और भी मज़ा आएगा। सो डेफिनेटली वर्थ अ विजिट इफ़ यू आर इनटू फोटोग्राफी वीडियोग्राफी। इंस्टाग्राम गेम आपकी आप करनी है, विजिट इट। तो कैसा लगा यहाँ ट्रैक करके आने में? वर्थ इट है। स्टार्टिंग में थोड़ी डिफ़िकल्टी हुई थी बट मैंने बहुत अच्छा मैनेज किया। तो मैं सबको बोलना चाहूँगी कि आप लोग को आना चाहिए फोटोज़ के लिए, फोटोज़ के लिए, वीडियोज़ के लिए नहीं, मरते मरते आओगे बट आ सकते हो। वैसे ही वेदर अच्छा है, वाइब अच्छी है, तो एंजॉय कर सकते हो। और ग्रुप के साथ आ रहे हो, एंड तक जाओगे तो मज़ा आता है। और डिफ़िकल्ट है बट जा सकते हो, और मैगी भी खा सकते हो। हमने चाय पी है, अच्छी है। मैंने 5 बॉटल पानी पिया सिर्फ, बहुत अच्छा है। पानी लेके आना। और यहाँ बारिश में भाई मत आना, मतलब जरूर हमारे पर फिसलन वाला रास्ता है, बहुत ही बहुत मतलब स्टीप है, उतरने में थोड़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। और ये व्लॉगर व्लॉग करने पे छूट रखा है, मैंने इसको बोला है तो ध्यान दे ले, सीधा वहाँ गोता मारेगा वरना नीचे जाके दूँ। ये डेडिकेशन होती है दोस्तों, डेडिकेशन, डेडिकेशन, डेडिकेशन। सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करिए। सो फाइनली बड़ी मशक्क़त के बाद हम लोग नीचे उतर चुके हैं। अनली यहाँ पे बैठी है और वेट कर रहे हैं, पता नहीं किसका। थकान उतरने का वेट कर रहे हैं क्योंकि बहुत स्टीप है। जो मैंने लास्ट आपका जो शॉट दिखाया बहुत ही स्टीप है, 90 डिग्रीज पे। ऊपर जाना इजी लगा, नीचे तो नीचे ऐसा मैं ऑटोमेटिक पांडा की तरह गोल घूम रही हूँ नीचे उतर। और सामने ही बहुत ही मस्त नज़ारा ही है, तो हमने फ़ोटोग्राफी की है। अगेन इंस्टाग्राम फॉलो करो। यहाँ पे आप पानी, मैगी और कोई नाश्ता कर सकते हो, तो यहाँ से लेके भी जा सकते हो। ऊपर भी है मैगी और वेफर्स है, वेफर्स और मैगी है, चाय है। तो अब यहाँ का ख़त्म बाहुबली हिल्स का, आगे एक ये बड़ी लेक है, वहाँ पे कुछ है आई थिंक फोटोग्राफी के लिए, तो फिर वहाँ चलते हैं। और फिर शाम का क्या प्लान है वो आगे चल के आपको बताते हैं। तो गाइस जब भी मैं आया था बड़ी लेक, यहाँ पे पीछे मेरे पीछे बड़ी लेक है, ये बड़ी करके गांव है, इसके पास ये लेक है, इसलिए बड़ी लेक है। ये सबसे बड़ी लेक है उदयपुर में, ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लगा था बड़ी लेक है, बट आई थिंक ये लोग अंदर ऐसा बोले कि सबसे गहरी जो लेक है ये यही है। यहाँ पे 4-5 मोन्यूमेंट्स टाइप है, अंदर GoPro लेजन अलाउड नहीं, तो मैं मोबाइल से शूट करके आपको वॉइस ओवर दे दूँगा। और एक छोटा सा गार्डन है, बस इतना ही है। 10 रुपये 15 रुपये है वो टिकट है और 10 रुपये पार्किंग फ़ीस है, तो 25 रुपये है। सिर्फ फ़ोटोग्राफी करनी है तो आप आ सकते हो, फोटोग्राफी इज़ ऑल्सो अलाउड।